सो हमने जो भी थ्योरम देखी इसका ऑपोजिट मीन्स कन्वर्स जो है वी नीड नॉट टू प्रूफ हेयर, उसका कन्वर्स क्या होगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। थ्योरम हमने जो पढ़ी वो थ्योरम थी कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो जो एंगल सस्टेंड कर रही है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि दो हों, अभी हमने दो ली थी, बट जितनी भी होंगी अगर वो जो एंगल फॉर्म कर रही है लाइक ये यहाँ पर ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे इफ कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स क्या होगा, राइट, इसका कन्वर्स ये होगा इफ द एंगल सस्टेंडेड बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स विल आल्सो इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है, मतलब इस थ्योरम का जस्ट उल्टा कि अगर एंगल इक्वल है तो वो कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो वो हमें प्रूफ नहीं करना है, वो हम प्रॉपर्टी जैसा क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे, अनदर थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन through the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ये दूसरी थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो कह रहे हैं एक सर्कल है, हमने सर्कल ले लिया, एक कॉर्ड है, कॉर्ड ले लिया हमने, कॉर्ड का नाम दे दिया ए बी एंड सर्कल विद सेंटर ओ। थ्योरम कहती है कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया एम, सो ओ एम इज बाइसेक्टिंग ए बी, देन वी हैव टू प्रूव दैट ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। सबसे पहले आप बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर रिकॉल कर लें। बाइसेक्ट मतलब जो भी लाइन है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, दिस इज ए बी 10 सेंटीमीटर, इसको कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दिस इज बाइसेक्टर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर जो होता है उसका मतलब ये होता है सेम यही लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर की है, कोई पॉइंट से इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जरूरी नहीं कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, बट ये जो एंगल बना है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये होता है परपेंडिकुलर। एंड थर्ड जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि जरूरी नहीं है कि वो बीच में हो, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है इधर के पॉइंट से, देखिए है ना, तो ये 90 ये 90, बट ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ नहीं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ए बी इस पॉइंट से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये दिस शुड बी 90 90, एंड साथ में ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल भी हो, देन इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तीन टर्म स्टूडेंट्स मैंने आपको कई बार कई तरीके से समझाई है और ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज में आ रही है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिमाग में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहां पर अगेन वही चीज आ गई कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो हमें प्रूफ करना है कि ओ एम इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये 90 और ये 90 एंगल हमें प्रूफ करके देना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, राइट। हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास ये दो ट्रायंगल आ गए तो हमारा सबसे पहला क्लू हमारे पास ही है, OA और OB तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि बिकॉज दे आर रेडियस। तो थ्योरम बहुत सिंपल है, ठीक है, हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू OB बिकॉज ऑफ रेडियस, ठीक है। दूसरा हमें दिया है AM इक्वल्स टू MB, ये हमें क्लू में गिवन है क्योंकि OM जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ OM बाइसेक्ट AB, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं ये हमें प्रूफ करना है।
बट बाइसेक्ट कर रहा है वो हमें यहां पर दिया हुआ है. एंड थर्ड इज ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है. मैंने इसको एज ए क्वेश्चन कर दिया, एज ए थ्योरम नहीं किया. आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे और यहां मैं लिखना भूल गई, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. बाय एस 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 ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ एम. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बाय सीपीसीटी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए ओ एम सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ बी ओ एम के इक्वल होंगे. जो जो हमें चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके एंड ये एंगल इसके. तो हमें जो चाहिए हम वो लिखेंगे, बाय सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ठीक है. अभी तो हमारे पास क्या आया कि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, राइट. अब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, वो परपेंडिकुलर है. तो अब हम लिखेंगे एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी मिलके कितना बनता है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का. देखिए यहां पर ये टोटल एंगल कितना होता है 180, ये हमें ऑलरेडी पता है. एक लाइन पर अगर कोई स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो वो कितना होता है 180. अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम एक ही कोई नाम लिख लेंगे, ओ एम बी की भी जगह क्या लिख लेंगे, ओ एम ए, बिकॉज दीज टू आर इक्वल, राइट. अब हम क्या करेंगे, दोनों को एड कर देंगे. सिंपल मैथमेटिक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 अपॉन टू मीन्स 90 डिग्री. जब ओ एम ए 90 है तो ओ एम बी भी कितना होगा 90, बिकॉज दोनों एंगल हमने प्रूफ कर दिया है क्या है, इक्वल. दोनों 90-90 आ गए, राइट. और जब दोनों 90-90 आ गए तो देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. एंड अभी इस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्योंकि ए एम और ए एम बी भी हमारे पास इक्वल थे. तो जो ये जो थ्योरम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और छोटी थ्योरम है. सिंपली कॉन्ग्रुएंसी हमने अप्लाई करी. कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने के बाद सीपीसीटी के थ्रू जो हमें प्रूफ करने को कहा है वो हमने बताया, ठीक है. सो दिस टू थ्योरम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द सर्कल.